छात्रों द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में छात्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में स्कॉलरशिप जारी कराना, महाविद्यालय परिसर में ATM की सुविधा उपलब्ध कराना, फोटोस्टेट मशीन लगवाना, कई भवनों में शौचालय व्यवस्था को सही कराना और बंद पड़े वाटर कूलर को शुरू कराने के संबंध में मांग की गई है। राजकीय महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य महोदय को हमारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। हमारी निम्न मांगे हैं, हमारी प्रथम मांग ये है कि कई बच्चों की स्कॉलरशिप यहाँ से पास हो गई है परंतु उनके खातों में नहीं है, जो अटकी हुई है। सर्वप्रथम उनकी स्कॉलरशिप आए जिससे बच्चे वंचित हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि महाविद्यालय में ATM की सुविधा की जाए, क्योंकि दो दो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स को बाहर जाना पड़ता है ATM सुविधा के लिए, वो सुविधा यहाँ उपलब्ध की जाए। तीसरी मांग हमारी है महाविद्यालय परिसर में, उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उसमें फोटोकॉपी की मशीन विशेष तौर पर यहाँ पे लगाई जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि एक भवन को, नेहरू भवन को छोड़कर बाकी सभी भवनों में शौचालयों की व्यवस्था खराब है, वो व्यवस्था तुरंत सही की जाए। पाँचवीं मांग हमारी यह है कि महाविद्यालय कैंपस में आते ही सबसे पहला जो बड़ा वाटर कूलर है वो बंद पड़ा है, उसकी जल्द से जल्द उसको तैयार किया जाए और उसमें मीठे पानी की व्यवस्था की जाए। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।